हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मीलाल ग्रेडर अपने चैनल डीजे एमएमएस प्रोफेशनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे पास है अहूजा की तरफ से CD100 जो एक HF ड्राइवर है, जो हैवी ड्राइवर है। हैवी ड्राइवर मतलब एक तरह से जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, हाई फ्रीक्वेंसी को और हाई करने के लिए। ये कोई 450 हाई नहीं है, ये है 750 हाई जैसी समझ लीजिए। क्योंकि अहूजा जो अपने सारे मॉडल्स बनाती है वो 450 या 750 बोलकर मेंशन नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का कुछ अलग रूल्स है, अलग कंडीशंस हैं। तो अभी इस साइज की हम अनबॉक्सिंग करने से पहले इस बॉक्स को हम ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर अहूजा का लोगो मेंशन है, उसके बाद यहाँ पर है PA कंप्रेशन ड्राइवर, तो पी पब्लिक एड्रेस और पावर कैपेसिटी 100 वाट RMS। RMS मतलब 100 वाट से लगभग 30% कम करेंगे तो इसकी ओरिजिनल पावर हमको मालूम पड़ेगी। क्योंकि 100% का 30% अगर माइनस करते हो, 30 वाट माइनस करने पर इसकी टोटल वाटेज यानी कि ओरिजिनल वाटेज जो होगी वो 70 वाट। क्योंकि ये 100 वाट की होती नहीं है, क्योंकि 100 वाट की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, क्योंकि ये वास्तव में है 70 वाट की। इंपीडेंस इसका 8 ओम्स है और फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स है इसका 500 to 18,000 हर्ट्ज, जो हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से शुरू होती है। SP हाई फ्रीक्वेंसी और मिड फ्रीक्वेंसी दोनों सपोर्ट करता है, और SPL जिसका साउंड प्रेशर लिमिटर बोलते हैं, साउंड प्रेशर लेवल SPL, इसका है 108 डेसिबल। उसके बाद ईज वाउंडिंग कॉपर कोइल, एल्यूमिनियम, ये सब इसकी जो मटेरियल जिससे बना हुआ है। उसके बाद तो बॉक्स के अगर साइड पैकेजिंग बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने इस बॉक्स के बारे में कुछ चीज़ें मेंशन की हुई है। जैसे अगर यहाँ पर इसमें कितने पीस है, 1 पीस। यहाँ पर इसकी मॉडल नंबर शो है कि CD100, MRP है 7,145 रुपये। और इसके बाद नीचे अहूजा की कंपनी का एड्रेस है, पैक इन फरवरी 2022, ये इसकी पैकिंग डेट है। तो इस बॉक्स के चारों तरफ और कोई चीज़ मेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एकदम खाकी बॉक्स में पैक आता है। इसका वजन देखें तो ये लगभग 4 किलो से लगा के 5 किलो से लगा के 7 किलो भी हो सकता है, क्योंकि इस पर कुछ वजन की डिटेल लिखी हुई नहीं है। अब इसको हम खोलते हैं कि वास्तव में अंदर कैसा प्रोडक्ट हमको मिलता है। क्योंकि जिस तरह जहाँ तक मुझे मालूम है कि अहूजा ने CD100 का कुछ नया मॉडल निकाल दिया है, क्योंकि ये मॉडल अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये है जहाँ पर भी लिमिटेड एडिशन में ये मॉडल अवेलेबल है। इस बॉक्स को खोलते हुए हमें कुछ इस प्रकार की पैकिंग अंदर से मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने इसके साथ कुछ एलएनकी बोल्ट भी दिए। वैसे कंपनी देती नहीं है साथ में, केवल नट दे दे अपना काम खत्म कर देती है। अहूजा ने इसके साथ में हम देखते हैं तो यहाँ पर इस हाइज को फ्लेयर पे कसने के लिए यहाँ पर हैवी नट और बोल्ट दिए हुए हैं। और इनको सबसे बढ़िया जो लगा मुझे कि कंपनी ने एक हैवी पाना भी दिया है कसने के लिए, और ये पाना इस नट्स के लिए परफेक्ट मैचअप है, आप देख सकते हैं। तो इन सभी को साइड में करते हैं और अब हम मेन प्रोडक्ट पे आते हैं, जो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है। ये अपनी ही HF ड्राइवर है। इस बॉक्स को हम साइड में करते हैं तो यहाँ पर अहूजा का नाम, मॉडल नंबर, कंप्रेशन ड्राइवर, पावर 100 वाट, RMS, ठीक है, और यहाँ पर यूजेबल और फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्स 18,000 हर्ट्स और इंपीडेंस 8 ओम्स। तो इसको चलाने के लिए हमारे पास कुछ नेटवर्क प्लेट होती है जिस पे यूज़ करते हैं, क्योंकि एम्पलीफायर पे इस हाइज को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एम्पलीफायर का आउटपुट जो होता है 250 वाट से लगा के 500 वाट, 500 वाट से लगा के 1000 वाट, 1000 से 2500 वाट से लगा के 10-10,000 वाट भी आउटपुट होता है एम्पलीफायर का, जिस पर ये टिक नहीं सकती। तो इसको चलाने के लिए हमें नेटवर्क प्लेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उस नेटवर्क्स को इसके साथ अटैच किया जाता है, क्योंकि एम्पलीफायर का आउट नेटवर्क प्लेट्स में आता है और नेटवर्क प्लेट का आउटपुट इसमें आता है, जिसका यहाँ पर इसका माइनस टर्मिनल है और ये प्लस टर्मिनल है। इसमें प्लस और माइनस हम गलत नहीं लगा सकते, इनको सही लगाना पड़ता है, गलत लगाने पर इसका आउटपुट सही नहीं आता। यहाँ पर देखें तो इसका प्लस टर्मिनल पुश एंड प्लग वाला है कि पुश करो और वायर लगा दो। इसमें कोई सोल्डिंग वाली कोई समस्या नहीं है, सोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको पुश करने के बाद ये हैवी टर्मिनल्स हैं, लगाने के बाद छोड़ दो। उसके बाद इसकी तरफ देखें तो यहाँ पर इसका आउटपुट थ्रोट है, यहीं से इस हाइज की आवाज़ बाहर निकलती है।
यहाँ पर पूरा फ्लेयर फिट होता है, जहां पर ये एलेंकी के सारे बोल्ट यहाँ से फिक्स होते हैं और फ्लेयर यहाँ पर लग जाता है। इसका आउटपुट देखें तो दूसरी हाइस जो आती है पीओडीओ, एडीआई प्रो, अदर जैसे कि 5 कोर हैं, स्टूडियो मास्टर है, बहुत सारी कंपनी बनाती है, बढ़िया है अपने अपने हिसाब से। लेकिन इस आहूजा में जो सबसे अच्छी हाइस मुझे लगी वो यही है। सो ये हाइस हम किस जगह यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 300 वाट के जो दो टॉप यूज करते हैं 300 प्लस 300, और वहां पर इस हाइस का यूज करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि 300 प्लस 300 वाट के टॉप के अंदर हमें 450 हाइस ही यूज करनी चाहिए, जो मैक्सिमम 50 वाट की होती है और ये मैक्सिमम 100 वाट की है। तो इसको यूज करने के लिए हमारे पास 15 इंच की कॉलम 1000 प्लस 1000 वाट वाले स्पीकर हो, जिसके साथ ये 750 या 100 वाट की हाइस यूज कर सकते हैं, जिसमें मिड के साथ इसका हाई अच्छा परफॉर्म करेगा और इसको डीजे में प्लस लाइव में दोनों भी यूज कर सकते हैं। सो ये थी इसकी कंप्लीट अनबॉक्सिंग, और टेस्टिंग हम किसी और वीडियो में लाएंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।